प्रदेश में प्रति व्यक्ति आर्थिक आय सूचकांक के मामले में कोरबा जिला भले ही ऊंची पायदान पर है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामने कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। विकासखंड कोरबा के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बाहुल्य कुटुरवा की कैंसर पीड़ित महिला के उपचार के लिए परिवार को अपना खेत गिरवी रखना पड़ गया, वो भी 15,000 में। परिवार चाहता है कि प्रशासन इस मामले में उनकी सहायता करे। फूलबाई नामक महिला के गले के पास बड़ी सी गांठ बन गई है। कुछ समय पहले यह छोटी थी और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता चला गया। इसकी वजह से जब महिला को परेशानियां शुरू हुई तो यहां वहां परीक्षण कराना प्रारंभ किया गया। इस दौरान मालूम हुआ कि यह सामान्य बीमारी नहीं बल्कि कैंसर है। हाल में ही पीड़िता को लेकर उसके पति और परिवार के एक सदस्य कोरबा पहुंचे। यहां पर चिकित्सक बातचीत की गई तो स्थानीय स्तर पर उपचार की व्यवस्था नहीं हो पाने का पता चला। कैंसर टाइप पे तो है गला में, तो यहाँ कब लो भर्ती कर रही हैं? शाम के तो का बता डॉक्टर है। कुटुरवा से आए जयप्रकाश भगत ने बताया कि महिला के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और वह उपचार कराने के लिए असमर्थ है। सामान्य चिकित्सा के लिए अभी उनके पास रुपया नहीं थे, इसीलिए अपना पुश्तैनी खेत 15,000 में गिरवी रखना पड़ा है। कैंसर तो खैर मालूम हुआ था लेकिन ला नहीं पा रहे थे। क्यों? तो पैसा कौड़ी पे समस्या चलते, पैसा नहीं था तो अभी अस्पताल खेत वगैरह गिरवी करके मतलब ले आए हैं। अच्छा, गिरवी कभी पड़ जा रहा है। कितना गिरवी रखा है? 15,000 गिरवी रखा है। जयप्रकाश ने बताया कि आर्थिक संसाधन ना हो पाने के कारण उच्च संस्था में उपचार कराने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि प्रशासन के स्तर से इस महिला के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध हो। इसको रायपुर रिफर कर दिया। रायपुर इधर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, हम समस्या पड़ जा रहा है। हाँ सर, आर्थिक स्थिति भी हम लोग इतना डाउन है कि हम लोग कहीं ले जा भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कोई अगर इलाज करा दे ठीक हो सकती है? हाँ हो सकती है सर। विकासखंड पौड़ी उपरोड़ा से वास्ता रखने वाले एक बच्चे की बीमारी के मामले में उनके परिजनों के सामने भी आर्थिक समस्या बनी हुई थी। उन्होंने अब तक 4,00,000 रुपयों की राशि उपचार पर खर्च की हुई थी और आगे खर्च कर पाने में उनकी क्षमता नहीं थी। प्रशासन के द्वारा इस मामले में पीड़ित परिवार को 3,00,000 की सहायता राशि मुहैया कराई गई है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि फूलबाई की चिकित्सा के लिए भी प्रशासन संवेदनशीलता का परिचय देगा। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट।